हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट वीडियो में जो इंप्रेशन प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी वो ड्रग्स होने वाले हैं और हाई एंड भी होंगे हाई एंड में आई थिंक मैं दो या तीन प्रोडक्ट्स ही शेयर करूंगी बाकी सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और मैंने सेल टाइम पर उठाए हैं ठीक है तो चलिए ये वाली लुक अगर आप देखना चाहते हो मैंने कैसे क्रिएट की है यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड गिव यू फीडबैक डाउन बिलो कि आपको ये लुक कैसा लगा और अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आप कौन सा प्रोडक्ट बाय करेंगे तो नाउ विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो ओके गाइस तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये शाले टिलबरी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर ये इल्यूमिनेटर की तरह काम करता है जो जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है टू फेयर जैसे कि मैक की स्ट्रोब क्रीम आपके फेस पे इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है ये भी आपके फेस पे इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो अपनी बेयर स्किन पर फाउंडेशन के साथ मिक्स कर सकते हो एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ मैंने इस प्रोडक्ट के, के लिए स्पेंड किया और मुझे ठीक ठाक कवरेज मिल गई आई विल प्रेफर मैक स्ट्रोबिंग क्रीम ओवर दिस वन सो या ठीक लगा मुझे ये प्रोडक्ट ज़्यादा मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ इससे नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूँगी मैंने ये ब्रश सेट भी बाई किया है जो कि मॉर्फी का है एट पीसीज़ का ये ब्रश सेट है और बहुत अच्छा है ये गाइस ये टेन पाउंड्स uh, का ये मेरे को मिला है वन थाउजेंड रुपीज़ का डील पर फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल की ये फाउंडेशन ये फाउंडेशन स्लैश सेरम फाउंडेशन है एक्चुअली तो लाइट कवरेज है इसकी एक्चुअली आप इस फाउंडेशन को एज अ डेली बेसिस पे भी लगा सकते हो आप इसको मिक्स कर सकते हो विद योर फुल कवरेज फाउंडेशन और काफ़ी अच्छा कवरेज uh, आपको मिल जाएगा ड्यूनेस भी मिल जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक मिल जाएगा और अगर आप सटल लुक चाहते हो तो आप इसको एज इट यूज़ कर सकते हो आई डिन नॉट लाइक द स्मेल ऑफ दिस फाउंडेशन तो अगर आप समर्न हो जिसको स्मेल से प्रॉब्लम होती है सो यू माइट स्किप दिस बाकी इसकी कवरेज काफ़ी डिसेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन लाइक फिनिश देती है आपके फेस पर कंसीलर्स के लिए मैं दो कंसीलर्स आपको दिखा रही हूँ एक है Elf का दूसरा है मिलाने का सबके शेड्स मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी तो ये मिलाने का कंसीलर मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना है स्पेशली मैंने स्मिथा दीपक को सुना हुआ है इसके बारे में काफ़ी रेव करते हुए दो फुट एप्लीकेटर है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एंड मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ यूजिंग मॉर्फी ब्रश जो मैंने नया बाय किया है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया इसने मेरे कंसीलर को एंड सच बताऊँ फुल फुल कवरेज है गाइस तो आप चाहे तो आप अपने स्किन टोन से मैचिंग भी यूज़ कर सकते हैं आप स्किन टोन से लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं तो दोनों कंसीलर आप बाय कर सकते हैं और ये मैंने आई थिंक डील पर नहीं था ये मैंने फुल प्राइस पर लिया है फॉर ट्वेल्व और थर्टीन पाउंडस विच आई थिंक इज़ बिट एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी वर्थ है तो ब्लशेज़ uh, के लिए मैं दो ब्लशेज़ दिखा रही हूँ जो कि एल्फ के हैं और गाइस इसको मैं यूज़ कर रही हूँ विद द सेम ब्रश जो मैंने कंसीलर कंसीलर जिससे लगाया है एंड लेट मी टेल यू इतना अच्छा पिगमेंट है ना इस ब्लश का काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है बिल्कुल भी ब्लॉची पैची नहीं लगता है फेस एंड पहले मैंने ब्रश की हेल्प से लगाया उसके बाद मैंने अपनी फिंगर्स की हेल्प से लगाया एंड सच बताऊँ इसने मेरी जो फाउंडेशन है ना उसको भी बिल्कुल मूव नहीं किया है एंड इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल ओनली फॉर सिक्स पाउंडीन सिक्स हंड्रेड रुपीज़ एंड यू शूड डेफिनेटली ट्राई दीज ब्लशेज बहुत अच्छे हैं बहुत ही सिल्की सॉफ्ट इन ब्लशेज़ की फिर मैं यूज़ रही हूँ पाउडर के लिए ब्यूटी का ये पाउडर बनाना पाउडर एंड लॉरा मर्सी के बाद मुझे ये पाउडर बेस्ट लगा गाइज बहुत अच्छी कवरेज देता है आपके फेस भी बहुत फाइनली ब्लेंड हो जाता है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ विद द पाउडर पव जो कि मैंने अमेज़ॉन से बाई किए हैं और काफ़ी अच्छे से ये प्रोडक्ट को फेस पर ब्लेंड भी कर देता है ठीक है और ये पाउडर बहुत बहुत अच्छा है फॉर ड्राई स्किन फॉर ऑयली स्किन काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं कम लगा रही हूँ अब मैं यूज़ करने वाली हूँ रिमेल का ये ब्रॉन्जर जो कि मैंने नया ही बाय किया आई थिंक मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ वीडियो में और इसको मैं लगाने वाली हूँ टू ब्रॉन्स माई फेस एंड लेट मी टेल यू इट इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट रिमेल के इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं हाईली पिगमेंटेड है ये गाइज सो मेक श्योर कि आप बहुत कम इसको लेयर करें एंड uh, आप देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल कवरेज uh, मेरे, मेरे को मिल गई है फेस पर एंड लेट मी टेल यू ये ब्रॉन्जर स्लैश कॉन्टोरिंग का भी काम कर रहा है क्योंकि इसकी अंडरटोन परफेक्ट है फॉर एशियन स्किन तो परफेक्ट है गा ये फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ मैं न्यूली परचेस्ड ब्लश पैलेट जो कि है फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल रॉक्सी पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके अंदर नेम्स सब कुछ आपको पीछे मिल जाएगा फिर आपको इसमें मैट मिलेगा थोड़ा सा शिमर टाइप मिलेगा और काफ़ी अच्छी पिगमेंट है आप देख ही सकते हो मैं सारे स्वॉच करके दिखाऊंगी आपको गाय तबीयत मेरी ख़राब है सो प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस तो या yeah, ये है इन ब्लशेस की पिगमेंटेशन काफ़ी बटरी सॉफ्ट है एंड वेरी वेरी पिगमेंटेड ये पैलेट आई थिंक मेरे हस्बैंड ना यूएस जब गए थे तब वो लेकर आए थे मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा पैलेट लगा मुझे इन दो ब्लशेस को मिक्स करके मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑन अ फ्लफ़ी ब्रश जो कि मैंने मॉर्फी से ही बाय किया हुआ है इन ब्रशेस के नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं फिर मैं एक्सेस रिमूव करूंगी और अब अपने चीक्स पे लगाऊंगी ठीक है तो इससे आपका ब्लश ना और ज़्यादा पिगमेंटेड लगता है क्योंकि आपने इसके नीचे लेयर किया हुआ है क्रीम ब्लश तो और ज़्यादा इंटेंस भी लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा ठीक है फिर मैं इसको प्लेस करने वाली हूँ अपने चीक्स पर एंड लुक एट द पिगमेंट ओ माई गॉड ब्यूटीफुल एंड कलर्स आर वेली रेली नाइस इंडियन स्किन पर बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाले हैं गाइस अब हाईलाइटर के लिए मेरे पास दूसरा हाईलाइटर नहीं था तो मैंने मैक का अपना सॉफ्ट एंड जेंटल ही यूज़ किया जो कि बहुत ही अच्छा है इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ मारफी ब्रश के साथ ही एंड ये ब्रश बेसिकली हाईलाइटर लगाने के काम ही आता है और बहुत अच्छा ब्रश है इनफैक्ट मोर्फी के सारे ब्रशेज बहुत अच्छे हैं एंड काफ़ी अच्छी कवरेज आपको दे देते हैं एंड दिस हाई लाइटर इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट बेस्ट हाई एंड हाई लाइटर अगर आपने ट्राई नहीं किया है आप ट्राई कर सकते हैं अब मैंने नई बाई की है ये मैक की कोकोनट वेरिएंट में सेटिंग स्प्रे एंड लेट मी टेल यू इट्स स्मेल्स लाइक कोकोनट ओ माय गॉड सो रिफ्रेशिंग एंड सो ब्यूटीफुल एंड मैक कि ये सेटिंग स्प्रे तो वैसे ही बहुत अच्छी है एंड आप देख सकते हैं मेरा फेस बिल्कुल जो पाउडरीनेस थी ना वो सब मेल्ट डाउन होकर मेरी स्किन इतनी ब्यूटीफुल इतनी ज्यूई एंड ल्यूमिनस लग रही थी अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ये पेंसिल और ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है एंड प्रिसाइसली काम करती है आपके, आपके आईब्रोज़ को फिल करने में एंड सच बताऊँ अगर आप बेनिफिट ब्रो पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते तो आप ये वाली डेफिनेटली ट्राई करना बहुत कमाल की पिगमेंटेशन है इसकी और एक साइड पर आपको स्पोली भी दी जाती जिससे आप अपनी आईब्रोज को फैदर आउट कर सकते हो अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो ठीक है और आ, शेड मैंने जो यूज़ किया है वो डार्क ब्राउन शेड है अब मैं यूज करने वाली हूँ पैलेट्स जो कि आई शेडो पैलेट्स मेरे पास तीन पैलेट्स हैं एक है आ, और एक है आ, शिमर आई शेडो जो कि एल्फ का पर मैं शिमर आई शेडो यूज़ नहीं करूँगी मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाले पैलेट्स में से कोई कलर ठीक है अब ये जो पैलेट है ये मॉर्फी का पैलेट है नाइन ई शेड है बहुत ही ब्यूटीफुल पेस्टल पिंक काइंड ऑफ शेड्स है इसके अंदर एंड इट कम्स विद अ मिरर विच इज़ अ बेस्ट पार्ट फिर सेकेंड पैलेट है ये नाइन एम पैलेट जो कि थोड़ा सा वाइब्रेंट पैलेट है इसके साथ भी मिरर दिया जाता है और दो तीसरा पैलेट है जो कि कलर पॉप का है ये आ, सारे नेम सारे पीछे आपको मिल जाएंगे ये भी बहुत ही प्यारा पैलेट लगा और इसके साथ मिरर नहीं दिया जाता है विच आई थिंक देना चाहिए था बाकी पिगमेंट बहुत अच्छी है इस पैलेट की भी बट मुझे मॉर्फी के पैलेट्स कलर पॉप के पैलेट से ज़्यादा बेटर लगे पिगमेंट वाइज ठीक है ये जो पैलेट है पैलेट है जो कलरफुल है मॉर्फी का इसका ये कलर इतना स्टनिंग है ना गाइस मैं बता नहीं सकती बहुत ही अच्छी कलर पे ऑफ है गाइस फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ नाइन ई पैलेट फ्रॉम मॉर्फी एंड ट्रस्ट मी बहुत ही बेहतरीन कलर्स हैं इसके और मैं अपने आईलेट पे जो कंसीलर है ना उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और फिर मैंने ये कलर यूज़ किया है एज ए ट्रांजिशन कलर एंड लेट मी टेल यू ये कलर मेरे को ये पैलेट पता कितने का मिला है ओनली फॉर सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का सेल पर इसका ओरिजिनल प्राइस आई थिंक फोटीन हंड्रेड था और ये मेरे को सिर्फ सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का मिला है इनफैक्ट दोनों पैलेट सिक्स हंड्रेड के मिले हैं और जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही करी हूं, ये भी मौफ़ी के हैं सेल पर उठाए मैंने हॉल बहुत जल्दी आएगा सो स्टे यून फॉर देट और अपने लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करूंगी आप देख रहे हैं पिगमेंटेशन कितनी ज़बरदस्त है पैलेट्स की फिर सेम डार्क ब्राउन शेड को मैं आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करूंगी सो so दैट की एक डेप्थ मिल सके मेरे आइज को एंड बस हल्के हाथ से ब्लेंड करती रहूँगी बैक एंड फोर्थ मोशन में कि ब्लेंडिंग जब तक आपको वो हार्श लाइंस इनविजिबल ना हो जाए एंड स्मूथ ना हो जाए अब मैंने सेम पैलेट से इस कलर को यूज़ किया है अपने इनर हाफ में एंड लुक एट द कलर पे ऑफ ओ माई गॉड स्टारिंग स्टार्निंग इज द वर्ड मॉर्फी मतलब बेस्ट है फॉर देर आई पैलेट्स एंड ब्रशे स्काइज काफ़ी अच्छे मुझे लगे इनके ये कलर्स एंड फिर मैं अच्छे से इसको डिफ़्यूज़ कर दूँगी जिसको और अब मैंने कंसीलर लिया है और जो आउटर कॉर्नर्स है ना उनको मैं अच्छे से आ, क्या कहते हैं उसे क्लीन uh, कर दूंगी ठीक है यूजिंग अ कंसीलर और इससे आपको एक कैट आई इफेक्ट भी मिल जाता है अब मैं यूज़ करने वाली हूँ आई अब मैं यूज़ करने वाली हूँ पेन आई -लाइनर. किस किस को पता था कि एसेंस पेन लाइनर्स भी बनाता है नहीं पता था ना बट अब आपको पता चल गया तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला पेन आई जो कि बहुत ही प्रिसाइज है लैश प्रिंसिस है इसका मस्कारा मेरा फेवरेट मस्कारा है बट मैं आज यूज़ करने वाली हूँ पेन आई जो कि मैंने यूएस से ही मंगवाया है अपने हस्बैंड से फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ लैशेस जो कि है मॉर्फी की और मैंने लैशेस लगा ली बहुत ही अच्छी बहुत ही फ्लटरी लैशेस है लिपस्टिक के लिए मैं तीन लिपस्टिक्स आपको दिखा रही हूँ लिपलाइनर्स दिखा रही हूँ मौर्फी की है पर ये शेड बहुत ही स्टनिंग है बट ये मैच नहीं हो रहा था इस लुक के साथ तो मैंने चेंज कर लिया मैंने यूज़ किया है निबल शेड फ्रॉम मोरफी लिक्विड मैट रेंज ये वाला कलर जो कि स्टनिंग है मरून कलर बर्गनी मरून एंड दैट्स द फाइनल लुक दैट्स द फाइनल रिजल्ट काफ़ी ब्यूटीफुल लुक टर्न आउट हुआ है जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं आई रियली रियली इन्जॉयड यूजिंग दैम बस एक प्रोडक्ट जो कि है शानिट टिलबरी का बहुत हाइपड है वो प्रोडक्ट एक्चुअली में ठीक है सेम रिजल्ट आपको कोई भी ड्रग स्टोर की क्रीम से भी मिल जाएगा जैसे कि लैकमे की रूमी क्रीम है या आप मेबलिन की जो क्रीम है वो यूज कर सकते हैं लॉरियाल की यूज कर सकते हैं तो आपको सेम इफेक्ट मिल जाएगा इनफैक्ट फार बेटर रिजल्ट मिल जाएगा रादर देन स्पेनिंग थर्टी सिक्स हंड्रेड ऑन दिस फ्लॉलेस फिल्टर और राइट सो गाइज ये था मेरा रिव्यू ऑन ऑल दीज प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है आई शैरोट्स आज जस्ट बैंग ऑन बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को लॉरवल फाउंडेशन कंसीलर्स एवरी थिंग इज जस्ट वेरी वेरी नाइस आप ज़रूर ट्राई करना मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी इन केस अगर आपको कुछ बाय करना तो आप बाई कर सकते हो वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियो आई एल सीन माई नेक्स्ट वैंड बाई गाइज आई लव यू ऑल